जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। जीवन मंत्रा को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जीवन मंत्रा के सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम लीवर की परेशानी की बात करेंगे कि आखिर लीवर की क्या परेशानियां होती हैं और आपको पता कैसे लगेगा कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है। दरअसल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हमारे खान पान में इतनी गड़बड़ियां हो चुकी हैं कि हमारे शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होने लगी हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर मारते जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमको क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर इंडिकेशन मिले कि ये प्रॉब्लम है तो जान लीजिए आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आप सीधे डॉक्टर को दिखाएं या फिर किसी अच्छे वैद्य की सलाह लें। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपको पेट में दर्द होता है, पेट की कोई भी समस्या है, यानी कि पेट के ऊपर दाहिने हिस्से में दर्द हो रहा है या पसलियों के नीचे दाहिने भाग में दर्द रहने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपका लीवर में बहुत ज्यादा तकलीफ है। आप तत्काल डॉक्टर को दिखाइए। अगर पेट में सूजन आ रही है या पेट बाहर की ओर निकल रहा है तो आपको लीवर सिरोसिस होने का संकेत है। इसमें पेट में फ्लूड जमा हो जाता है और आंतों से रक्त स्राव होने लगता है। इसके बढ़ते जाने की स्थिति में आपको लीवर कैंसर भी हो सकता है। अगर त्वचा पर चकत्ते पड़ रहे हैं या त्वचा पर खुजली हो रही है तो उसे इग्नोर करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लीवर की खराबी की ओर इशारा करते हैं। अब बात करेंगे अगले कारण की, पीलिया की। आंखों का रंग पीला हो जाए और त्वचा सफेद होने लगे तो ये संकेत खून में पित्त वर्णक यानी कि बिलरुबिन के बढ़ने के संकेत हैं, जिसके कारण शरीर में अनावश्यक पदार्थों का बाहर निकलना संभव नहीं हो पाता है और लीवर खराब होने का संकेत पीलिया के रूप में आपको मिलता है। अगर आपको बेचैनी रहती है, आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, किसी भी तरह के पाचन और अपच की समस्या होती है तो इसका प्रभाव भी दोस्तों इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा लीवर पर पड़ता है। इससे लीवर डैमेज हो सकता है, जिसके संकेत के रूप में जी मिचलाना और उल्टी आने जैसे लक्षण भी आपको दिख सकते हैं। बात करेंगे वजन कम होने की। बिना प्रयास किए तेजी से अगर वजन आपका कम हो रहा है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर लीवर खराब हो चुका है तो भूख कम लगने लगती है, जिसकी वजह से वजन कम होता जाता है। इस संकेत को तुरंत जानकर इलाज करवाना बेहद जरूरी है। बात करेंगे आपके मूत्र में परिवर्तन को लेकर। लीवर पित्त का निर्माण करता है, लेकिन लीवर खराब होने पर रक्त में पित्त वर्णक बिलरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण आप अगर पेशाब जाते हैं तो उसका जो रंग है वो गहरा पीला होने लगता है, और खराब हो जाने के कारण लीवर इस बढ़े हुए वर्णक को किडनी के जरिए बाहर नहीं निकाल पाता है, लिहाजा पेशाब का रंग पीला दिखने लगता है। अगला कारण है शरीर के अन्य भागों में सूजन का दिखाई देना। अगर आपके पैरों में, टखनों में, तलुओं में तरल जमा होने लगा है, जिसके कारण इन भागों में आपको सूजन महसूस हो रही है, तो आपके गंभीर रूप से लीवर खराब होने के लक्षण दिख रहे हैं। इनको इग्नोर ना कीजिए। बात करेंगे थकान की। सामान्य रूप में दोस्तों क्या होता है कि रोजाना थोड़ी सी काम करने के बाद तो थकान महसूस होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा थकान होने लगे और चक्कर आने लगे, मांसपेशियों में कमजोरी हो, तो लीवर पूरी तरह से खराब होने के संकेत हैं। इसके अलावा नींद का चक्र भी गड़बड़ा जाता है और भ्रम की स्थिति बनने लगती है, जिससे व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं और याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। लीवर फेल हो जाने की स्थिति में कोमा में जाने के हालात भी बन सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देने लगे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ख्याल कीजिए अपने शरीर का और सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।